आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं एक्सेल में वो है वी लुकअप. ओके, वी लुकअप एज अ नेम सजेस्ट इट मींस वर्टिकल लुकअप, जो यूज किया जाता है जब हम अपने डेटा को वर्टिकली मेंटेन कर रहे हैं. जैसे कि मेरा ए कॉलम है वो सारी एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है, जो कॉलम बी है ये सभी लोगों के जो एम्प्लॉय आईडीज हैं उनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, कंपनी का नेम और उनके शेयर प्राइस. तो ये मेरा एक छोटा सा डेटा है जो वर्टिकली मेरे डेटा को प्रेजेंट कर रहा है. तो वीलुकअप हमने इसमें लगाना है. वीलुकअप बेसिकली यूज होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाल रही हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैंने इसको कॉपी किया. तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय आईडीज मैं यहाँ पर लिखूंगी उनके शेयर प्राइजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली शो हो जाए. ठीक है, सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन मैंने इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग किया एंड देन बॉर्डर. ओके, तो स्टूडेंट्स व्हाट आई वांट इज कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी सबकी मेंशन करूंगी और उनके शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाए. ठीक है, तो इसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो वीलुकअप यूज करते हैं. वीलुकअप क्या करता है कि जो भी हमारा टेबल होगा वो उस टेबल से उस पर्टिकुलर कॉलम नंबर के थ्रू वो उस डेटा को पिक करता है. ठीक है, तो हम इस फंक्शन को लगाते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, मैंने पुट किया ब्रैकेट ओपन. ओके, नाउ अब वो पूछ रहा है मुझसे लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू होती है जिसके बेसिस पर मुझे आंसर चाहिए. तो फिलहाल मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है मेरा लुकअप वैल्यू, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जो भी एम्प्लॉय आईडी डालू उसके बेसिस पर मेरा ये शेयर प्राइस कैलकुलेट होकर के आए. तो एम्प्लॉय आईडी मैंने सिलेक्ट किया कॉमा टेबल एरे. टेबल एरे मीन्स जहां से उसको वैल्यू को पिक करना है. तो टेबल है मेरा ये ओरिजिनल टेबल, आप इसको चाहे तो ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आई एम यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन टू सिलेक्ट द रेंज. ओके, तो ये मैंने रेंज सिलेक्ट की है. इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमने इस रेंज को फिक्स करना है यूजिंग F4. ठीक है, फिक्स क्यों करना है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय आईडी मैं लिखने वाली हूँ, इवन जो मैं नीचे भी एम्प्लॉय आईडी लिखने वाली हूँ नेक्स्ट सेल में, उन सबके लिए रेंज तो ये कॉमन ही रहेगी. तो इसलिए रेंज को मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पर कॉमा कॉलम नंबर. ओके, सो कॉलम नंबर मीन्स कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो हमारी इस टेबल एरे के किस कॉलम में आ रहा है. तो हम देख लेते हैं किस कॉलम में आ रहा है. जैसे अगर मुझे कॉलम नंबर काउंट करना है तो मैं कुछ इस तरह करूंगी, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो मेरा जो शेयर प्राइस है वो 8th कॉलम के नंबर पे आ रहा है. सो आई विल पुट 8 ओवर हियर. ओके, अगर मुझे कंपनी का नाम चाहिए होता तो मैं वहां पर 7 लिखती. तो 8 लिखने के बाद हमने यहाँ पर 0 पुट कर देना है फॉर एग्जैक्ट मैच, क्योंकि जो भी मैं एम्प्लॉय आईडी डालूंगी मुझे एग्जैक्टली उसका अमाउंट चाहिए शेयर प्राइस का. तो इस तरह मैंने ये फंक्शन यहाँ पर लगाया. ये फंक्शन लगाने के बाद मैं इसको कर देती हूँ ड्रैग. ओके, तो इतने एरिया में मैंने वीलुकअप लगा दिया है. इसमें क्या होगा, मैं जो भी एम्प्लॉय आईडी डालूंगी, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली 1001, तो वो उसका शेयर प्राइस दिखाएगा. एज वी कैन सी ओवर हियर एम्प्लॉय आईडी 1001 का जो शेयर प्राइस है वो 1749 है. तो वही अमाउंट मुझे यहाँ पर ये शो हो रहा है. इवन नीचे के सेल में भी अगर मैं यहाँ पर किसी का भी एम्प्लॉय डेटा का आईडी डालती हूँ तो वो मुझे अकॉर्डिंगली उसका शेयर प्राइस बताएगा. ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा वीलुकअप. आप इसको ट्राई कीजिए और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए. थैंक यू.